हे गाइस, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे, बहुत अच्छे। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी ये देखिए, इतने कपड़े और इधर अभी इतना कपड़ा धो के रखा हुआ है, पूरा यहाँ से वहाँ तक कपड़ा। और उसके बाद ये मैंने जितने पर्दे निकले ये सब अभी, और इतना ज़्यादा भी रखा हुआ है। आजकल बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं हो रही है कि कपड़ा सूखे। और आज है संडे, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटका चिकन। इससे पहले मैंने मटका चिकन बनाया और ये मटन मटका बनाया। और मैंने सोचा था कि आज मैं मटका बिरयानी बनाऊँगी, लेकिन नहीं, टाइम नहीं मिल पाया, तो आज चिकन ही आया है। तो चिकन बनाने की तैयारी। ये मटका रहा, मटके में मैंने इसमें मिट्टी जो नहीं होती वो सूखी मिट्टी, इसको ऐसे पानी डाल के इसमें थोड़ा सा लगा दिया, क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें पेंदी में थोड़ा मोटा रखना, तो इसलिए मिट्टी लगा। ये सूखेगा, ये रहा चिकन। चिकन को मैं धो लेती हूँ। और अभी रखी है प्याज, इसको चॉप करना है। और यहाँ मैं बना रही हूँ ब्राउन प्याज, जो मैं बनाऊँगी मटर पुलाव। ये मैंने पुलाव को कर दिया है बना के, अब ये तो सिटी आएगी, पुलाव हो जाएगी। ये रही मटर, अब ब्राउन प्याज पड़ेगी मटर इसमें, सॉरी पुलाव में। तो चलिए तैयारी करते हैं चिकन मटका चिकन बनाने की। और इसकी रेसिपी तो मैं फुल रेसिपी आपको बता चुकी हूँ, चलिए फिर भी लेकिन कैरी ऑन बताते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। आज मैंने दिखाया था ना, ये प्याज को मैंने चॉप कर लिया। और ये चिकन है, चिकन को अच्छे से मतलब कर लिया, इसमें नमक धो लिया था मैंने। फिर उसके बाद से इसमें नमक और मस्टर्ड ऑयल डाल के इसको अच्छे से धो लेंगे, अरे सॉरी मिला लेंगे। उसके बाद से इसको धोएंगे ताकि इसमें कोई स्मेल नहीं रहेगी। थोड़ी देर इसको 5 से 10 मिनट इसको रख दीजिए ऐसे ही, नमक और ये मस्टर्ड ऑयल लगा के इसमें। फिर उसके बाद से इसको खूब अच्छे से वॉश कर लीजिए, कोई स्मेल नहीं। और ये हो गई तैयार ये ब्राउन प्याज, इसमें मैंने डाला मटर। अब जब पुलाव हो जाएगी तो उसमें मैं मिला दूँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हम लोग आ चुके हैं छत पे, देखिए। और ये कहीं बैठे भाई मिलार, आज संडे मना रहे हैं फिल्म। क्यूट। और हम लोग खा रहे हैं मूंगफली ग्रीन चटनी के साथ। तो हे गाइस, इसको खोलते हैं और खोल के देखते हैं कि हुआ या नहीं। इसको ऐसे पकड़ते हैं, अभी है पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी है। तो इसको चला लेते हैं ताकि जो भी मैंने मसाला इसमें डाला था, नमक डाला था, अच्छे से मिक्स हो जाए। गाइस ये हो चुका है, इसमें मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए साइड साइड से इसमें तेल भी आ गया है, मतलब ऑयल आ चुका है। तो इसको मैं अब उतार लेती हूँ, पानी डालने से फ़ायदा क्या है, ऐसे ही अच्छा लगेगा अपना होना। तो इसकी मैं अब यहीं पे करूँगी प्लेटिंग भी। और अब मुझे सेकना है ये रोटी। इसमें और ये बन चुका है चिकन। तो इसकी प्लेटिंग मैंने कहा था ना कि मैं यहीं पे करूँगी। तो अभी धनिक पत्ती तो डालना बाकी है, लेकिन सही ने कहा कि नहीं, हम लोग यहीं खा लेते हैं। हमने बनाई थी क्या भौरी। ये भौरी आप लोग सोचते होंगे कैसी बनाई है, ये मैंने बस ऐसे मुट्ठी उठा ऐसे किया और ऐसे चस्पा किया और इसका सेक लिया। मटर पुलाव के साथ ये बस थोड़ी सी बनाई है टेस्ट के लिए।